अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर फाइनल में गरजा है सूर्य कुमार यादव का बल्ला। चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक तो पूरी दुनिया ने ठोका सलाम। आखिर कैसे सर पर कफन बांध कर उतरे सूर्य कुमार यादव ने 16 से भी अधिक खौफनाक छक्के ठोककर अहमदाबाद के मैदान पर मचा दी तबाही। आखिर इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कुल कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने अपनी ऐतिहासिक शतकी पारी के दौरान। उनके विध्वंसक बल्लेबाजी की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे खतरनाक छक्के लगाने वाला? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल की आखिरी जंग के लिए बेकरार थी। दोनों टीमें विश्व चैंपियन का ताज अपने सर पर सजाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। ऑस्ट्रेलिया का सामना करना किसी भी टीम इंडिया के लिए आसान नहीं था। डर तो भारतीय खेमे में भी था, लेकिन दोस्तों किसी ने कल्पना नहीं की थी कि दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्या प्लेइंग 11 में कंगारुओं के खिलाफ इस कदर तबाही मचाएंगे। जी हाँ, एक बार फिर सबसे बड़े मंच फाइनल में चमका भारत का सूर्य और अपने तेज से उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत की आंखें चौंधिया दी। जैसे ही सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। पहली गेंद पर उन्होंने कमिंस की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर अपना खाता खोला, लेकिन यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। इसके बाद तबाही का मंजर इस कदर आया कि ऑस्ट्रेलिया की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। स्टार की जमकर पिटाई करते हुए उनके लगातार 3 गेंदों पर 2 खौफनाक छक्कों और 1 चौका जड़कर इस खिलाड़ी ने केवल 24 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। और इसे देखने के बाद ही कमिंस स्टार्क से लेकर पूरे ऑस्ट्रेलियाई खेमे के पसीने छूटने लगे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। वहीं पूरे स्टेडियम में केवल सूर्या के नारे सुनाई दे रहे थे। इस खिलाड़ी को रोक पाना यहाँ से भी उनके गेंदबाजों की बस की बात नहीं हुई। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग से लेकर एडम जंपा हरे गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कहर बरपा दिया। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हरेक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था। रोहित कोहली से लेकर हर तरफ केवल खुशियां थी। इस दौरान उन्होंने हेजलवुड की आर्कर पर अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतने खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गई। कोई भी उनके पास इस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव केवल 34 गेंद में 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए मैक्सवेल के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर सूर्य ने अपना शतक पूरा करके नया इतिहास लिख दिया। लेकिन इसके बाद भी उन्हें कहां चैन आता। ऑस्ट्रेलिया जहां सोच रही थी कि शतक बनाने के बाद वह रुक जाएंगे, पर सूर्या को यह मंजूर ही नहीं था। आज तो वह इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाने के इरादे से उतरे थे। सूर्या का तांडव इतने में थमने का नाम ही लिया और देखते देखते इस खिलाड़ी ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया। जिस तरीके से वह गेंदबाजों को धो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज तो वह भारत की तरफ से दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अपना नाम भी जरूर शुमार कर लेंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अपने दोहरे शतक से वह केवल 2 रन दूर रह गए। जी हाँ, उन्होंने 198 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। हालांकि वह दोबारा शतक बनाने से चूक गए, लेकिन अपनी खौफनाक पारी के दौरान उन्होंने 18 छक्के और 11 खतरनाक चौके बरसाए थे, जो अपने आप में ही विश्व रिकॉर्ड है। यानी कि अकेले यह खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए यमराज बन गया। हालांकि यह केवल प्रैक्टिस मैच की कहानी थी, लेकिन यदि उन्हें अहमदाबाद में बल्लेबाजी का मौका दिया जाता तो वह इस सपने को हकीकत में बदलने का दमखम रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सूर्या रोहित गिल में कौन फाइनल में शतक लगाने में कामयाबी हासिल कर पाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।